लोग का लगातार कमेंट आ रहा है पटना वुमेन्स कॉलेज के एंट्रेंस 2023 जो होने वाला है उससे रिलेटेड, और साथ ही साथ आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट का कब प्रैक्टिस कराएगा। तो चलिए फाइनली आप लोग का मॉक टेस्ट लेकर आ गया हूँ। इसमें टोटल आप लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 30 रहेंगे और 30 मिनट का आप लोग का टाइमिंग दिया जाएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, हम लोग फटाफट इसको हम लोग कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है, और सबका आप लोग का एक्सप्लेनेशन आपको अंत में दिया जाएगा, किसी किसी का मैं आप लोग को बीच में भी दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 4, 5, 8 और 10। यहाँ पे बोल रहा है कि वह कौन से नेचुरल नंबर है जो 200 और 400 के बीच आता है, जो डिविजिबल है यानी कि भाग लग जाता है किससे, 4 से, 5 से, 8 से और 10 से। तो मैं आप लोग को बता दे दोस्तों कि अगर आप लोग को इस टाइप के प्रश्न देखने को मिले एंट्रेंस टेस्ट में, तो आपको सिंपल क्या करना होगा, बैठ मत जाइएगा बनाने के लिए, सिंपल आपको सबसे पहले आप लोग को ऑप्शन पर ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए गए, 79 है, 80 है, 81 है, नन ऑफ दिज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, नन ऑफ दिज और 80 होगा नहीं, ठीक है। रह गया आपको 81, तो 81 भी होगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा, 10 से 81 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो बचा कौन, ऑप्शन ए हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई इशू नहीं, ठीक है, इसको ऑप्शन से बनाइएगा, बन जाएगा ईजिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 80% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ स्कॉलरशिप, अभी गॉट 1005 एंड फेल टू गेट द स्कॉलरशिप बाई 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे पूछ रहा है जो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, और वाज द मैक्सिमम मार्क्स मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है और टोटल मार्क्स यहाँ पे आप लोगों को निकाल कर बताना होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों का बच्चा वाला है। तो यहाँ पे देखिए, इन एग्जामिनेशन 80% मार्क्स आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। 80% आप लोग के रिक्वायर्ड है ना, और इसका कितना 13% से क्या कर जाता है, फेल कर जाता है, और इसने 1005 नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्चुअल में हम लोग निकाल लेते हैं इसका मैक्सिमम परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितना मैक्सिमम परसेंटेज होगा 1005 का, ठीक है। तो चलिए 13% से फेल किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल अगर निकालेंगे 1005 का हम लोग निकालते हैं कितना परसेंट, तो 13% से फेल करता है यहाँ पे, चलिए इतना हो गया। तो इसको हम लोग घटाएंगे कितना होगा, 67% यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 67% का हम लोग निकाल लेंगे 1005 पर, तो उसका राइट आंसर आप लोग का निकल जाएगा, समझ लिए होंगे। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, तो हम लोग 1005 का 67% निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा टोटल मार्क्स निकल जाएगा। तो चलिए टोटल मार्क्स हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो टोटल मार्क्स हो जाएगा 1005 × 67 यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का टोटल मार्क्स 1005 × 100/67, ठीक है। तो 67 में 15 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा 1005, ऊपर बचा 15, नीचे में 100, तो टोटल कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1500 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ लिए होंगे, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मुझे मैसेज करके आप लोग मुझे इजीली पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ चैनल अबाउट में जाएंगे तो चैनल अबाउट सेक्शन में भी आप लोग का दोनों का लिंक, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो 2 का आप लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आप लोग का आंसर 100% सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे से भी गलती हो सकता है, ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं अभी नीट का प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग को मैं आगे बढ़ाता हूँ, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखते हैं, कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 पैड्स। अगला हम लोग देखते हैं इसी में, कॉस्ट ऑफ 3 पैड्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 ग्लोव्स, कॉस्ट ऑफ द 3 ग्लोव्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बैट्स, इफ़ द कॉस्ट ऑफ बैट इज रेस 54, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द बॉल। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप लोग को लिखा गया है ना दोस्तों, वैसे ही आप लोग के अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि तीन बॉल का वही रेट है जो 2 पैड का है, ठीक है, सेम कॉस्ट है वहीं पे। और यहाँ पे भी एक और बोल रहा है कि
तीन पैड का वही रेट है जो दो ग्लोब्स का है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हम लोग कॉस्ट एक का हम लोग निकालेंगे। किसी भी अगर बनाने की कोशिश करेंगे इस टाइप के प्रश्न, तो सबसे पहले एक ग्लोब का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एक का हम लोग निकाल लेंगे तो बाकी का आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक ग्लोव्स, ठीक है। एक ग्लोव्स का हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक ग्लोव्स का, तो वही कितने के बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर। देख सकते हैं यहाँ पे दो पैड के बराबर है ना, तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैट हो जाएगा। यहाँ पे बॉल के पूछ रहा है इज़ द कॉस्ट ऑफ द बॉल, लास्ट में जितना आएगा उस समय मल्टीप्लाई कर देंगे 54 में, तो मेरा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ द बॉल निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लव्स का निकल गया। उसके बाद सेम अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ द पैड, तो पैड गिन लीजिएगा, इसमें पैड कितना है, 2 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पैड का हम लोग मान निकालेंगे। एक पैड का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ द कितना हो जाएगा, 2/3 × 2/3। यहाँ पे भी बैट का भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 2/3 बैट हो गया, ठीक है। अच्छे से दिख नहीं रहा, बस मेरे साउंड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या का वैल्यू निकाल लिया मैंने, एक पैड का निकाल लिया और एक ग्लव का निकाल लिया, ठीक है। अब बचा एक बॉल का, ठीक है। एक बॉल का हम लोग निकालेंगे तो एक बॉल का कितना हो जाएगा, तो एक बॉल का हो जाएगा आप लोग कॉस्ट 2/3 × 2/3, ठीक है। बैट का हम लोग निकाल रहे हैं, तब लास्ट में अगर हम निकालेंगे कॉस्ट हैंस, अगर हम लोग निकालेंगे लास्ट का हम लोग वन बॉल का मान, तो टोटल तीनों में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 54 से, तो क्या निकल जाएगा, एक बॉल का कॉस्ट निकल जाएगा टोटल, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है, 54 रुपया। तो काट छाँट के जो भी आएगा आप लोग इसका 3×3 = 9, 9×3 = 27, 27 दुना का कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 2×2 = 4, 4×8 = 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, 16 आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 3 का आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आप लोग भी बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन डील करते हैं, एकदम मॉक टेस्ट जैसा लगना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, फटाक्सन क्वेश्चन पढ़ेंगे, फटाक्सन आंसर करेंगे, ठीक है। 4 बोल रहा है यहाँ पे, 15 men कैन हार्वेस्ट अ फील्ड इन 28 days, ठीक है। 15 मजदूर किसी फील्ड को 28 दिन में ख़त्म कर देता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हार्वेस्ट दिस फील्ड इफ़ द नंबर ऑफ मैन रिड्यूस टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 10 दिन में वह कितने, 10 आदमी वह काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या, कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए, कितना है, 10 और 28 है ना, अगर 15 यहाँ पे हो गया, 15 days × 28 कितना हो जाएगा, 10। अगर बात करेंगे इसका आप, 2×10 = 3×15 = 14×28 14×3 कितना हो जाएगा, 42, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन आप लोग का डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाई अ सप्लाई पाइप इन 30 मिनट, ठीक है। कोई भी पाइप है उसको भरने में कितना मिनट लग रहा है, एक पाइप को भरने में 30 मिनट लगता है, ठीक है। एंड इपिटेड बाई वेस्ट पाइप इन 4/5 आवर, ठीक है। और वेस्ट हो रहा है कितना में खाली कर दे रहा है, 4/5 घंटा में वह खाली कर दे रहा है किसी टंकी को, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ़ बोथ पाइप्स आर ओपन टूगेदर इन व्हाट टाइम विल बी सिस्टर्न बी फिल्ड, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर दोनों पाइप को एक साथ ऊपर खोल दिया जाए तो वह टंकी को कितने घंटे में फिल कर देगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग का बनाने वाला है। अगर देखिए, हम सिंपल से इसका ट्रिक बताते हैं, अगर भरने का काम रहेगा तो हम लोग जोड़ेंगे, अगर निकलने का काम करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। बस इसी ट्रिक पे इसको बना डालना है। तो 5 का आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 का आप लोग का 1.1 × 1/3 आवर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट है तो बनाने बैठेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम लेने की कोशिश नहीं करूँगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं, अ कोन हैज़ अ हाइट एच एंड बेस रेडियस आर, द वैल्यूम ऑफ द कोन इज बाइसेक्टेड बाई अ प्लेन पैरेलल टू द बेस विच इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ के फ्रॉम द
बेस देन के का मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई शंकुकार है उसका हाइट कितना है एच दिया गया, और बेस का जो रेडियस है यानी कि आधार का जो त्रिज्या है वो कितना दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक है। द वैल्यूम ऑफ द कोन, उसको हम लोग जो आधार का जो आयतन है उसको बाइसेक्ट करता है अ प्लेन पैरल टू द बेस, ठीक है, बाइसेक्ट करता है ये, इससे करके आप लोग को यहाँ पे इस तरह का है, यहाँ पे इसका हाइट दे रखा है h और बेस का जो त्रिज्या है r दे रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, छः का, तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा और मैं यहाँ पे आप लोग का आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दिस होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका क्या सही होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इस साइड होगा। चलिए इस 30 मिनट का टेस्ट है, हम लोग फटाफट देख लेते हैं। 7 बोल रहा है इफ़ फंक्शन एक्स वाई बराबर 2x-y द वैल्यू ऑफ एफ 1 प्लस एफ 1/4 कॉमा 3/4 माइनस एफ 1/2 1/4 इज़। यहाँ पर सिंपल एक्स वाई का मान निकाल कर इसको सिंपल सा क्या कर देना है, आप लोग को सिंप्लीफिकेशन कर देना है, ठीक है। तो 7 का आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 0 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं फटाक से, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्या बोल रहा है, इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑफ बोथ डाइस। अब यहाँ पे आप लोग का आ गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यानी घटनाओं की संख्या बटे कुल घटना, ठीक है। पी बराबर क्या होता है, एनी बटे एन एस, ठीक है, एनी बटे एन एस, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डाइस है, तो डाइस में एक डाइस में कितने घटना होता है, 6 होता है, ठीक है। दो को फेंका गया तो 6 के स्क्वायर यानी कि 36 बस बन गया, और कि 8 का आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा, 8 का बना लीजिएगा इसका। चलिए हम लोग 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर क्या बोल रहा है, बड़ा है लेकिन इसका आंसर एकदम छोटा होगा। 9 नंबर बोल रहा है, इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट यानी कि 2000 छात्र हैं, यहाँ पे 70 प्ले क्रिकेट, यहाँ पे जो 200 स्टूडेंट्स में से 70 को क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और 60 प्ले हॉकी, और 200 छात्रों में से 60 क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, और 200 छात्रों में से 80 को क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। और जो 30 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, और जो 30 ऐसे छात्र एवं छात्राएँ हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है। अगला, 30 और ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं जो हॉकी एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अगला है 40 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है। 200 छात्रों में से 40 ऐसे छात्राएं हैं जो क्या करते हैं, क्रिकेट हॉकी दोनों खेलते हैं। अगला हम लोग देखेंगे 130 पीपल प्ले एटलीस्ट 1 गेम, और 130 ऐसे छात्राएँ हैं जो कि कोई एक गेम खेलते हैं, ठीक है। अगला हम लोग कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ऑल द 3 गेम्स। यहाँ पे बोल रहा है कि आप ऐसे छात्राओं का संख्या बताएं जो 3 गेम क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग ढूंढिए, क्योंकि इतना मेहनत से मैंने पूरा प्रश्न को ही क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 20 ऐसे छात्राएँ होंगे जो 3 गेम खेलते होंगे, ठीक है। इसका 9 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्या बोल रहा है, विजय अंश शिव को स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ पोल विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग यानी 50 मीटर लॉन्ग, दे पास ईच अदर रिच द रिस्पेक्टिव एंड्स एंड इमिडिएटली टर्न बैक, नाउ दे मीट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मिनट फ्रॉम वेयर विजय स्टार्टेड 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ शिव को। तो यहाँ पे देखिए ट्रेन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, नाम दे रखा है। तो जैसे ट्रेन वाला आप लोग बनाते हैं ना, अगर सेम डायरेक्शन आएगा तो क्या करेंगे, हम लोग घटाते हैं कि जोड़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 का, तो 10 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 6.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे 2 नंबर्स x and y आर सच डैट व्हेन डिवाइडेड बाय 6 दे लिव रिमाइंडर्स 4 and 5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x² + y² डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे बोल रहा है 2 नंबर दिए गए हैं x और y, उसके बाद बोल रहा है कि दोनों का जो डिवाइडेड है जब 6 से डिवाइडेड होगा तो वह शेष कितना बचेगा, 4 और 5 उसका शेष बचेगा, ठीक है।
आगे हम लोग देखें रिस्पेक्टली, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स और वाई का जो मान आएगा उसका हम लोग स्क्वायर करके निकालेंगे, अगर वह डिवाइडेड रहेगा 6 से तब उसका हम लोग को क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, आई होप 11 का क्वेश्चन समझ लिए होंगे। जो भी छात्र आए हिंदी में होंगे हिंदी वाले समझ लिए होंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश तो अच्छे से समझ रहे होंगे। तो 11 का राइट आंसर बोले तो 11 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग का 5 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर करके 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 आप लोग का रिमाइंडर बचेगा। चलिए हम लोग 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12 इस साइड होगा। चलिए 12 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 12 का स्टेटमेंट है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट वाला है, तो यह स्टेटमेंट वाला अभी तक देखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप लोग का मैं बता इसको बताने का कोशिश भी नहीं करेंगे, छोड़ो टाइम वेस्ट क्यों करना। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 13 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ़ एक्स की एक्स टू डी पावर वाई प्लस वाई टू डी पावर एक्स बराबर 17 एंड एक्स प्लस वाई बराबर 5 देन एक्स माइनस वाई, जब एक्स वाई इज़ ग्रेटर दैन 0 इज़ इक्वल। आप लोग को मैं बता दें कि जब इस प्रकार के आप लोग को प्रश्न मिले तो सिंपल एकदम आँख बंद करके 1 और माइनस 1 मार दीजिएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 13 का आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए 14 देखते हैं, हाउ मेनी ओड इंटीजर फ्रॉम ए 100 टू 1000 टू 8000 इंक्लूसिव हैव डिस्टिंक्ट डिजिट। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कि हाउ मेनी ओड इंटीजर, यानी कि विषम संख्या 1000 से 8000 के बीच में कितना होगा। ठीक है, तो 14 का आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1736। ए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 का VVI। ठीक है, 15 देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन एन अपार्टमेंट ब्लॉक देर आर 10 रेसिडेंट्स, द नंबर ऑफ कार्स ओन्ड बाई द रेसिडेंट्स आर 15, 4 ऑफ द रेसिडेंट्स डू नॉट हैव एनी कार, एग्जैक्टली 3 हैव 1 कार ईच एंड 1 पर्सन हैज़ 4 कार्स, व्हाट मे द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्स ओन्ड बाई एनी रेसिडेंट। यहाँ पे सेम उसी प्रकार से जो क्रिकेट वाला था ना दोस्तों, सेम इसी प्रकार से इसका भी आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी अपार्टमेंट में 10 रेसिडेंट, मतलब कि ब्लॉक है जिसमें कि 10 लोग रहते हैं, ठीक है, और उनके पास कितने हैं, 15 फोर व्हीलर्स है और 15 और 4 रेसिडेंट्स टू हैव एनी कार, जो 15 ऐसे हैं यहाँ पे और रहने आए जिनके पास क्या है, कार नहीं है, तो एग्जैक्टली 3 1 कार ईच 1 पर्सन हैज़ अ 4 कार्स, कोई एक पर्सन के पास 3 कार है और किसी एक पर्सन के पास कितना कार है, 4, तो आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स ओन्ड बाई एनी रेसिडेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स किसके पास है, जो कोई एक रेसिडेंट खरीदा है, तो 15 का आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 15 का 6 आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 देखते हैं फटाफट, टाइम लंबा हो जाएगा क्योंकि क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट है, मैथ तो रहेगा ही रहेगा, कड़ा कड़ा मैथ है यहाँ पे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल, सॉरी 16 बोल रहा है यहाँ पे, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार, यह है कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस से आ गया। ठीक है, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार इफ़ द इंक्रीज इन 20% ऑफ इट्स फाइनल सेलिंग प्राइस, व्हाट इज़ द इंक्रीज एज परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो इस प्रकार का प्रश्न मिलेंगे तो आप लोगों को सिंपल, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो पूछा गया है उसी के अनुसार आप लोग का क्या कर देना होगा, निकाल देना होगा। ठीक है, तो 16 का आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 का आप लोग का 25% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग एक्सप्लेनेशन भी दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट दे लेते हैं। अगला है, जेन एंड जिल मूव टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू टाउन्स डेट आर 55 माइल्स अपार्ट, जेन्स स्पीड इज़ 12 माइल्स पर आवर एंड जिल्स स्पीड 10 माइल्स पर आवर, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे बी 11 माइल्स अपार्ट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 17 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 आवर। अगला है, 82 हॉर्सेज वेयर सोल्ड फॉर रेस 12000 इच, वन एट अ लॉस ऑफ 20% एंड द अदर एट द गेन ऑफ 20%, द इंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, कोई हॉर्स को क्या, दो हॉर्स को बेचा है कितने हज़ार रुपये में, 12000 रुपये में, एक घोड़े पर कितने रुपए का लॉस हुआ, तो 20% का लॉस हो गया एंड अदर गेन, और दूसरे के दूसरा वाला घोड़े पे कितने परसेंट का लाभ प्राप्त हुआ, तो 20% का लाभ हुआ, तो इंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड, जब आप लोग लाभ कभी
लॉस और प्रॉफिट हो तो सिंपल आप लोग को जानते हैं, जब लॉस हो तो माइनस लगा के करेंगे और प्रॉफिट हो तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x गुने वाई बटे 100 गुने कितना आप लोग का जो प्राइस था 12,000 वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो 18 का आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लॉस ऑफ रेस 1000। 18 का आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 19 देखते हैं, 19 किधर गया, 19 इधर मिलेगा। 19 का देखते हैं, 19 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के इफ़ ए 401k इज़ द मिड पॉइंट ऑफ 2, 3 एंड 6, 7। तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है वैल्यू निकालने के लिए, तो के का मान निकालने के लिए है, तो के का मान आप लोग इजीली निकाल लेंगे। ये कौन से क्वेश्चन से है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है आप लोग को त्रिभुज के क्षेत्रफल शायद पे होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग निकाल लीजिए किसी भी तरह से 401k, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आप लोग को मैं बताऊँगा मिड पॉइंट कैसे निकालना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए, लेकिन मैं आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं 19 का। चलिए 19 का देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है 19 का। चलिए आप लोग को दिखाई देते हैं एक्सप्लेनेशन 19 का एक्सप्लेनेशन। हाँ देखिए, मिड पॉइंट निकालने का तरीका आप लोग का दिया गया है, एक्स हम बोलिए रहे थे एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स बराबर देख सकते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर वाई बराबर वाई टू प्लस वाई टू, और यहाँ पर देख सकते हैं वो पूरा वैल्यू जो दिया गया है उस सबको पहले निकाल लेंगे, उसके बाद राइट आंसर आप लोग को दिया गया है कितना दिया गया है, 5 आप लोग का राइट आंसर है, यानी कि 19 का आप लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 19 का आप लोग का कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोग का दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। अब 20 देखते हैं, 20 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्टेड 2 ओड नंबर्स एंड 2 इवन नंबर्स आउट ऑफ द फर्स्ट 128 होल नंबर्स। यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन सेलेक्टेड 2 ओड नंबर्स, यहाँ पे बोल रहा है कि कितने पॉसिबल संख्या होंगे जब हम लोग दो विषम संख्याओं को निकालेंगे, इवन 2 ओड 2 इवन दो विषम दो सम संख्याओं आउट ऑफ द फर्स्ट 128 होल नंबर। जब 128 आप लोग का होल नंबर रहेगा पूरे में से, तो हम लोगों को दो निकालना है विषम संख्या और दो सम संख्या निकालना, तो वह कितना होगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 C2 × 63 C2, यानी कि ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट होगा। चलिए 21 देखते हैं, 21 आप लोग का इस टाइप का प्रश्न तो देखा नहीं गया है, चलिए ये भी नहीं पूछेगा आप लोगों से। हाँ 23 नंबर आप लोगों से पूछ सकता है, बोट एंड नाव वाला है, ठीक है। अब बोट गोज 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ठीक है, धारा के विपरीत धारा के अनुकूल, ठीक है, 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 56 मिनट्स। जब कोई बोट को 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कितना मिनट लगता है, 56 मिनट। द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो स्ट्रीम है यानी कि धारा का जो प्रवाह है वह कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, यानी कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 23 का आप लोग का डी हो जाएगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए आप लोग को दिखाते हैं अगला, यहाँ पर देखिए ये भी आप लोगों का प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। अगला देखते हैं 25 भी आप लोग से नहीं पूछे जाएंगे, 26 हो सकता है, 26 इंपॉर्टेंट है। फाइंड 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर सच दैट 73 टाइम्स देयर डिफरेंस इज इक्वल टू देयर सम। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स, जो कि क्या है 73 टाइम्स देयर डिफरेंस इज इक्वल टू देयर सम। यहाँ पे 73 का जो भी आप लोग का सेम इक्वल डिफरेंस आएगा, मतलब घटाने पर सेम संख्या आएगा, उसको आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 26 का आप लोग का हो जाएगा ए, 72 और 74, ठीक है, इसको घटाने पर सेम डिफरेंस आप लोग का आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 27 और 28, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। 27 नंबर, द एवरेज मार्क्स ऑप्टेंड बाई 22 कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशन इज़ 50। यहाँ पे 50 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें कि 22 कैंडिडेट्स आप शामिल होते हैं, ठीक है, मतलब प्राप्त करते हैं, सॉरी, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 कैंडिडेट्स इज 44। जो फर्स्ट 10 एवरेज कैंडिडेट है जिन्होंने कितना नंबर लाए, 44, यानी कि 44 नंबर लाए। वाइल डेट ऑफ द लास्ट 11 इज 60, यानी 60 द मार्क्स ऑप्टेन बाय द 11th कैंडिडेट। तो चलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 27 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 0, और आप बन गए हीरो।
28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो ये सब आप लोग बना देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कोई दिक्कत नहीं है, छठे क्लास से रट्टे आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो 28 का आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 28 का ए हो जाएगा 100। चलिए 29 देखते हैं, 29 क्या है, आप लोग को एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या नहीं। हाँ 29 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। टू आइसो स्केल्स ट्रैंगल्स हैव इक्वल एंगल्स एंड देयर एरियाज आर इन रेशियो 25:25:49 देन द रेशियो ऑफ द क्रॉस्पॉन्डिंग हाइट इज। इसका राइट आंसर एकदम मुंह पे आ जाएगा, कौन सा, 5:7 क्या है, इसको स्क्वायर कर देंगे बस, इसका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल देंगे, इसका आंसर आप लोगों को स्क्रीन पर मिल जाएगा, सी। चलिए अगला देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को। 30 बोल रहा है, इन द गिवन सर्कल ओ ए बराबर 4 सेंटीमीटर एंड द कोन ए ओ बी बराबर 112 डिग्री, व्हाट इज द कोन ए बी ओ, यानी कि कौन सा पूछ रहा है आप लोग का, इस ए और यहाँ पे, यानी कि ए वाला कोन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो 30 का आप लोग का राइट आंसर सिंपल सा आप लोग का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 34 का बी। तो चलिए अब आप लोग को मैं एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ आप लोग को, सब बारी बारी से आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिया है, नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 4 इन द गिवन रेंज कितना है, 49 है। नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5 इन द गिवन रेंज कितना दे रखा है, 39। और इसको हम लोग क्या करेंगे, जब 39 में से 49 दोनों को जोड़कर -9 कर देंगे तो एक्चुअल नंबर निकल जाएगा। चलिए 2 का आप लोग देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने सोल्व किया था वैसे ही है। 3 का भी देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन आप लोग का, 16 आंसर आया था, ये भी सही है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पर जो डेट मैंने निकाला था स्क्रीन पर, 15 × 28 / 10 कितना आया था, 42 दिन आया था। चलिए 5 का भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया 5 का आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, तो डिस रिक्वायर्ड फिल टू सर्ट, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो अगर ऐड करेगा उसको जोड़ेंगे, मतलब जो पानी भरेगा उसको ऐड करेंगे, जो खाली करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ और घटाव किया गया, और फाइनली आप लोग का 1:1/3 आंसर दिया गया। देख सकते हैं 6 का आप लोग का जो यहाँ पे से दिया गया था शंकु, जैसे मैंने बताया था सेम उसी प्रकार से फिगर भी दिया गया है, इसका भी आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चलिए आप लोग अगला देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे कौन सा है, नीचे में है क्या, 6-7 देख सकते हैं, सबका एक्सप्लेनेशन दिया गया, जो इम्पोर्टेंट था मैंने सारा कुछ आप लोग का दिया गया है। तो आप लोग, आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ था, फटाफट आप लोग लाइक और शेयर कर दिया, बता दीजिएगा आप लोगों का कैसा रहा। थोड़ा सा मेहनत लगता है, इस वजह से मैं लगातार आप लोग का क्लास नहीं ले पाता हूँ एप्टीट्यूड क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट का, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ कल, यानी कि नेक्स्ट डे।